ये देखिए अनवी के आर्टिफिशियल नेल्स। ये एप्पल के ऊपर जो स्टिकर आते हैं वो निकाल के मैडम ने अपने नेल्स बनाए हैं, और अब ये नेल पॉलिश लगवाने वाली है इनको ओरिजिनल लुक देने के लिए। तो चलिए देखिए कितने खुश है, फैशनेबल मॉडर्न लड़की, और ये नेल पॉलिश लगवाने लगी है। ये देखिए ये वाली नेल पॉलिश लगाएगी रेड कलर की। सो हैप्पी। <So happy. laughs> ये देखो ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। बोलो कुछ कैसा लग रहा है, मुझे नहीं मिल लल्लन टॉप। कार्टून का असर हो गया है, कार्टून देखते देखते तेरे को पता चल गया लल्लन टॉप होता है। अच्छा लल्लन टॉप, ओके लल्लन टॉप। अब इनसे खारिश भी करेगी। वेलकम टू माय चैनल वन स्टॉप एकता। आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया डीआईवाई भी डाल दिया था, और क्या डाला था मैंने, कुकिंग भी डाल ली और डांस भी डाल देख लिया आप लोगों ने। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए छोटी सी एक अलग सी वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा कि अनवी की मस्ती कैसे चल रही थी, बस अभी वो खेलने गई है अपने नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स उतार के, और इतना शौक रखती है वो मेकअप का। लड़कियां शायद होती ही ऐसी हैं, लड़कियों को लिपस्टिक नेल पॉलिश मेकअप अगर उनकी मदर लगाए ना लगाए, बट लड़कियां टिप टॉप रहती हैं अपने घर पे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी ब्लॉग की तरफ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने इवनिंग टाइम पे। वैसे तो मेरा इवनिंग टाइम कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, क्योंकि अकेले बंदे का कोई रूटीन नहीं है। अकेला बंदा तो ना, मैं तो ना चाय पीती हूँ अकेले, और ना ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो इसलिए मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, और थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, तो तब तक मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन कर तो लूंगी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और मैंने फ्रूट्स को 1-1.5 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया था, और मैं इनको पानी से निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। मैं पहले ही डिप करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि इनके ऊपर जो मसाला वगैरह लगा होता है वो अच्छे से निकल जाता है। यहाँ पे मैं पहले डिनर की प्रेपरेशन भी साथ में कर लूँगी। मैं दाल बनाने वाली हूँ, और 1 कटोरी दाल मैं तब उबलने रख दूँगी, और जब हमें तड़का लगाना होगा तब बस तड़का लगा के हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। तो ये दाल को मैं साफ़ करके कुकर में डाल दूंगी, उबलने के लिए रख दूंगी। साथी के साथ मैं अपनी बेटी के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ, शाम के टाइम वो दूध पीती है। तो इसके साथ ही मैं तड़के की भी तैयारी कर लूँगी। प्याज काट के मैं रख लूँगी ढक के। तो ध्यान रखिए, अगर आप प्याज काट के रखते हो तो उसको ढक के जरूर रखें, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं प्याज के ऊपर बहुत जल्दी बैठते हैं। तो मैं पहले से उसको काट के फिर रख लूँगी, और तब तक हमारे हस्बैंड भी आ गए थे, वो बच्चों के साथ आते ही लग जाते हैं मस्ती में। तो यही है बस मेरी इवनिंग रूटीन। तो मैं डिनर की प्रेपरेशन इसलिए जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे हैं जो वो लंच नहीं करते हैं, तो उनको डिनर थोड़ा जल्दी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं पहले से प्रेपरेशन कर लेती हूँ।
अभी यहाँ पे देखो पौने 8 हो चुके हैं और हस्बैंड जी आ चुके हैं और आते ही क्या काम लगे पड़े हैं, कपड़े खोल दो, स्विमिंग पूल। ये सारी जनता नहाने के लिए आई है स्विमिंग पूल में गर्मियों का मजा लेते हुए बीच बीच में ठंडी का भी। वीडियो बना दिया। ये देखिए ये अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग लेके आए थे स्विमिंग पूल। हाँ जी ओके। तो यहाँ पे ये पानी भर के सब इंजॉय कर रहे हैं, अंदर घुस गए हैं स्विमिंग पूल के। तो ये आस पड़ोस के बच्चे हैं जो हमारे अनवी को देख के वो आ जाते हैं इंजॉय करने के लिए और अनवी बहुत खुश है। और इन बच्चों को ठंड भी लग रही थी बट ये निकलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बच्चों को पानी में मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये जो बाहर निकल रहे हैं, इनको ठंड की वजह से ये बाहर निकल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के फिर जब नॉर्मल होता है उनको टेम्परेचर लगता है तो वो फिर से पानी में घुस जाते हैं। तो ऐसे ये इंजॉय कर रहे हैं और हस्बैंड मेरे भी बहुत पानी में इंजॉय करते हैं, उनको बहुत पसंद है पानी में इंजॉय करना बच्चों के जैसे। अब देखना वो देखो अनवी जैसे ये पानी में फिर से घुस गई है क्योंकि पहले इसको ठंड लग रही थी, कितनी खुश है ये। चलो अब बोलो कि हमें अब ठंड लगने लगी है और हम अब स्विमिंग पूल से निकलते हैं बाहर। बाय बाय कर दो सब, बहुत ठंड लग रही है अब हम जा रहे हैं कपड़े पहनने। बाय बाय हमें ठंड लग रही है, हम जा रहे हैं। हाँ धीरे। तो लीजिए हमारी चाय रेडी है और 8 बजे का हमारा चाय का टाइम है। देख लीजिए वैसे रोज नहीं होता बट आज के दिन हुआ है क्योंकि स्विमिंग पूल का इन लोगों को बड़ा शौक चढ़ा रखा है। तो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ यहाँ पे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे पता है कि कमियां होंगी। तो आप लोग मेरे को जरूर बताना और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना।